और अब आते हैं इसके 15वें पॉइंट पे, और 15वां पॉइंट है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज एबीसी, और एबी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और एसी को डायमीटर मान के दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये बी सी के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। अब बेसिकली इनका रेडिकल एक्सिस देखें तो ये लाइन होगी। अब क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ये 90, और ए सी भी डायमीटर है तो ये 90, तो इनका जो कॉमन कॉर्ड आएगा वो ये ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होगा। तो इस केस में इनका जो कॉमन कॉर्ड है, और बेसिकली जो इनका रेडिकल एक्सिस है वो आपका एल्टीट्यूड होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर एक्सटेंड करते हैं कि थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, देन तो हमें पता है कि अगर साइड्स को डायमीटर लेके अपने सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस उसका एल्टीट्यूड होगा। तो इसी तरीके से अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो तीनों सर्कल्स के लिए या तीनों साइड्स के लिए जो आपके रेडिकल एक्सिस आएंगे वो आपके एल्टीट्यूड आएंगे। और रेडिकल एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करता है? रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट करता है रेडिकल सेंटर पे, और क्योंकि रेडिकल एक्सिस आपके एल्टीट्यूड्स हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। तो इस केस में जो आपका रेडिकल सेंटर आएगा वो आपका ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। तो ये है आपका 15वां पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स फाइव, टू एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इक्वल जीरो, एंड एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल जीरो ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स इज। नाउ स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस टू एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज वन बाई टू। सो बेसिकली दीज टू लाइन्स दे आर परपेंडिकुलर, सो दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। Now this side it is 2x plus y minus 9 equals 0. This is x minus 2y plus 3 equals 0, and this is x plus y equal to 5. Now here the standard result is radical center on three sides of a triangle as diameter is the ortho center of this triangle. So this radical center will be ortho center. And since it is a right angle triangle, its ortho center will be at this point where it is making an angle of 90 degrees. So basically this point is intersection of these two lines. So we have to find intersection of x minus 2y plus 3 equals 0. 2x plus y minus 9 equals 0. Now we'll multiply it with 2, so we'll get 2x minus 4y plus 6 equals 0. Now we subtract this, we get 5y minus 15 equals 0. So value of y is 3. And if we put y as 3, we'll get x as 3. So ortho center of this triangle is at 3, 3, which in this case is also its radical center. And that's your option B.